आज हम सीखेंगे किस प्रकार आप SSOID के माध्यम से अपने बिजली बिल, पानी बिल या टेलीफोन बिल या मोबाइल पोस्टपेड के लिए बिल भर सकते हैं। सबसे पहले हमें sso.rajasthan.gov.in साइट को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में आपसे यहाँ ऊपर यूजर नेम पूछा जाएगा और नीचे आपको यहाँ पासवर्ड रखना होगा। जैसे ही आप यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ एंटर कैप्चा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से आपको यहाँ जो कैप्चा दिखाई देगा फोटो में, वो कैप्चा आपको ऐसे का ऐसा यहाँ सेम टू सेम लिखना है। और उसके बाद में आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हम SSOID के या SSO पोर्टल के डैशबोर्ड पे, यानी कि मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है बीच में बिल पेमेंट्स। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या मोबाइल पोस्टपेड बिल भी आप यहाँ से भर सकते हैं। जैसे कि हम लैंडलाइन बिल का उदाहरण लेते हैं, जैसे ही मैं यहाँ लैंडलाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझसे कुछ जानकारियाँ पूछी जाएंगी, जैसे कि आप कौन सी कंपनी का लैंडलाइन यूज़ करते हो या कौन सी कंपनी का टेलीफोन आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ BSNL सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ हमसे हमारा टेलीफोन नंबर पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ एक नंबर एंटर किया है कोई भी, और उसके बाद में हमें शो लिखा हुआ आपको मिलेगा, सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, हमें हमारे कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ दिखाई जाएंगी। अगर आपको यहाँ दी हुई जानकारी में सभी जानकारियाँ सही लगती है, तो आप नीचे देखेंगे कि बिल अमाउंट लिखा हुआ है, यानी कि इतने रुपए बिल आपको अभी भरना है। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि यहाँ सिर्फ लास्ट टाइम का बिल दिखाया जाता है, यानी कि लास्ट मंथ का बिल यहाँ दिखाया जाएगा। आपको ये याद रखना होगा कि आपने पे किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पहले से पे कर चुके हैं तब भी ये ऐसे ही दिखाएगा, और दोबारा पे कर देंगे तो दोबारा से भी पेमेंट हो सकती है। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि पेमेंट अगर एक बार आपने किया है, बिल भर चुके हैं, तो दोबारा से इसको ना भरें। और अगर आपने नहीं भरा है, तो उसके लिए हमें कहाँ क्लिक करना होगा, पे नाउ। जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, हमें एक नेक्स्ट पेज पे पहुंचाया जाता है। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं ई मित्रा ऑनलाइन पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ आपको दिखाया जाता है कि आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। 558 रुपये आपको यहाँ देने होंगे। इन चार ऑप्शन, जैसे कि नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, UPI, QR कोड पेमेंट, इनमें सबसे आसान तरीका है नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग के माध्यम से आप सबसे आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट ए बैंक पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ कुछ लिस्ट दिखाई जाएगी। इनमें से अगर आपका बैंक है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ SBI एंड ग्रुप करता हूँ, तो यहाँ SBI और उसके अंडर में जितने भी बैंक आते हैं, उन सभी बैंक से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। कुछ ही देर में हम देखिए यहाँ पहुँच गए हैं बैंक के होम पोर्टल पे। यहाँ आपको यूजर नेम डालना होगा और नीचे आपको पासवर्ड भरना होगा। इसके बाद में जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आगे ऑप्शन दिया जाएगा पे का। जैसे ही आप पे करते हैं, पे करने के बाद में आपको 1 से 1.5 मिनट तक कुछ क्लिक नहीं करना है कहीं भी, और उसके बाद में पेज अपने आप वापस SSO पोर्टल पर पहुंच जाता है। अगर नहीं पहुंचता है, तो पेमेंट कंफर्म होने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, बैक टू ई मित्रा पोर्टल, आपको वहां क्लिक करना होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर ऑप्शन नहीं मिलता है ई मित्रा पोर्टल बैक में, तो आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ देर बाद अपने आप SSOID पे वापस से पहुंच जाएंगे। और जब तक आप SSOID पर नहीं पहुंचते हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं भी क्लिक नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी ट्रांजैक्शन रुक सकती है और आपके बिल भुगतान में परेशानी हो सकती है। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।